ఎలా బయటికి పంపించారో మనం దృశ్యాలు చూడొచ్చు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు గంతో బెదిరించారు నాటు తుపాకీతో బెదిరించే ప్రయత్నం చేశారు ఇంట్లో ఉన్న నగదు అలాగే బంగారం ఇవ్వాలని వాళ్ళపై దాడి కూడా చేయబోయారు కానీ ఆ తల్లి కూతుళ్ళు ఎంతో ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి ఇంట్లోకి వచ్చిన ఆగంతకుల్ని బయటికి తరిమి కొడుతున్న దృశ్యాలు మనం స్క్రీన్ పై చూస్తున్నాం మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రంజిత్ అందిస్తారు తపంచతో బెదిరించి ఇంట్లో చోరీకి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఇద్దరు యూపీకి చెందినటువంటి దొంగలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అయితే ఇంట్లో చోరీకి ప్రయత్నించినటువంటి క్రమంలో తల్లి కూతురు ఇద్దరు ప్రతిఘటించడంతో కూడా దొంగలు ఇక్కడే పట్టుబడ్డ పరిస్థితి ప్రస్తుతం వాళ్ళతో మాట్లాడుతాం क्या हुआ अम्मा कैसा उन्होंने इंटरव्यू हुआ इससे पहले आपको पहचाना थे क्या हुआ सर आफ्टरनून का टाइम था अराउंड 1:15 1 o'clock हम लोग मैं स्नान करने ऊपर गई थी फर्स्ट फ्लोर पे तो मैं नाइटी में थी तो मुझे एक बेल का साउंड आया नीचे तो मैंने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से नीचे देखा कौन है तो दो आदमी खड़े थे बोले कोरियर तो मैंने बोला किसके नाम से है तो बोलने उन्हें मेरे हस्बैंड का ही नाम लिया एनके जैन कोई भी कोरियर वाला आज तक अंदर तक नहीं आया मेरे हॉल तक बाहर से देखे चले जाते हैं दोनों के पास बैग थे और दोनों वहीं पर खड़े थे मैं नीचे आई मैंने बोला अंदर क्यों आया बाहर निकलो तो बोले नहीं मैडम आ गए अब कोरियर ले लो आप तो मैं उनके पास गई कोरियर लेने तो उन्होंने बैग सामने से कोरियर नहीं निकाल के रिवॉल्वर निकाली अंदर से तमांचा निकाला उसमें बुलेट भी था वो लेके मुझे अटैक किया और मेरे मुंह पे मारा मुंह पे मारने आ रहे थे उसको लेके तो मैंने उससे पहले उसका मुंह और उसका नाक दबा के मैंने नीचे गिराया उसको तो उनको तसल्ली हुआ कि ये दोनों ही हैं हमें इन दोनों से ही निपटना है वो बोल के वो मुझे मार रहा मैं उसको मार रही हूँ करते करते वो मुझे लास्ट में गिरा दिया जब मेरे से सपोर्ट नहीं हुआ तो मेरे चिल्लाने पर मेरी बेटी फर्स्ट फ्लोर से भाग के आई फिर तब तक उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था वो सोई हुई थी तो वो उठ के आई नीचे उसने देखा अचानक तो उसको समझ में नहीं आया फिर भी वो सोची मम्मी को कौन मार रहा है तो उसने उस आदमी को पकड़ के बाहर पीछे खींचा तो उसका हेलमेट निकल गया उसका मास्क निकल गया जब मास्क और हेलमेट निकला तो मैंने उस आदमी का चेहरा देखा जो एक डीप क्लीनिंग वाला था जो लास्ट ईयर मेरे घर पे 2022 दिवाली की डीप क्लीनिंग के लिए आया था सारा सामान बैग सब तमांचा रिवॉल्वर नाइफ सारे बैग यहाँ छोड़ा जूता सॉक्स सब यहीं छोड़ के वो भाग गया बस तो मैंने गेट खोल दिया फिर मेन डोर बाहर का और कंपाउंड का तो सारे लोग अंदर आए जैसे ही अंदर आए किचन से वो आदमी वो रियलाइज हो गया कि वो अब भागने का टाइम आ गया तो वो भागा बाहर सारों को चाकू दिखा के वो भी फरार हो गया पर उसको पकड़ लिया गया था मैंने किको बॉक्सिंग सीखा है 5 ईयर्स तक एंड मैं फिटनेस फ्रीक हूँ फिटनेस कर रही हूँ मैं 15 ईयर्स से तो मेरी बॉडी ऑलरेडी एकदम स्ट्रांग है कि हम किसी को भी हैंडल कर सकते हैं एक लेवल तक अब बोलो आपके ऊपर भी कुछ हाँ लड़ाई के टाइम पे मेरे मुझे भी लग गई थी मार वो नोच दिया था लड़ाई के टाइम पे मैं मम्मी को नीचे फ्लोर पे देखी थी और वो आदमी उनको मार रहा था तो मेरे को लगा कि कौन है आदमी मेरी माँ को क्यों मार रहा है तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि उसको हटाऊँ मेरी माँ से तो मैं उसके पास गई उसको धक्का मारी तो फिर तब तक मेरी माँ उठ गई और मेरी माँ भी मेरी मदद करने लगी उसको हट नॉर्थ जोन डीसीपी रोहिणी प्रियदर्शिनी स्वयं वारी इंटर वेली तल्ली कूतुलनु सन्मानिंचडंतो पाटु वारिपै प्रशंसलु कुरिपिंचारु The second one was raising a bigger knife. Yeah, everyone was running. Everyone was running. Yeah, madam. मुश्किल है मैम किसी के अपना लाइफ खतरे में डाल के कोई किसी को नहीं बचाता आज के टाइम में नोबडी मुझे मेरा लाइफ बचाना था मेरी बच्ची का इसलिए मैं स्ट्रगल कर रही थी उससे उतना नहीं कर सकते दैट वाज वेरी मतलब दैट वाज रिमार्केबल थिंग टू से दिस मूवी और इट कैन